आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है या हम अपने लंग्स के अंदर के पार्ट को कैसे देख। बेसिकली ब्रोंकोस्कोप एक खास तरह का ट्यूब होता है जिसके आगे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है और उस कैमरे की मदद से डॉक्टर आपके फेफड़ों के अंदर की कंडीशन देखते हैं, आपके विंड पाइप को, आपके सांस की नलियों को डीपली देख सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत किनको पड़ती है? कुछ खास तरह के पेशेंट में जिनका निमोनिया रिजॉल्व नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक के बावजूद निमोनिया ठीक नहीं हो रहा, या फेफड़ों में किन्हीं के बलगम फंसा हुआ है, या खांसी के रास्ते या मुंह के रास्ते खून आने की परेशानी है, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसके बाद चेस्ट में पेन हो रहा है जिसमें कि लंग कैंसर होने का रिस्क रहता है। इन सारी सिचुएशन में एक्सरे कराने के बाद या सीटी स्कैन कराने के बाद आपके सांस की नलियों में अंदर से देखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी खांसी में खून आता है तो ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा उस खून को चेक किया जा सकता है कि कौन से रास्ते से आ रहा है और उसको बंद करने के लिए दवाइयाँ डाली जा सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सांस की नलियों में कुछ ट्यूमर जैसी चीज़ से रुकावट आ रखी है, आगे आपके हवा नहीं जा रही, तो ब्रोंकोस्कोप के द्वारा उसको खोला भी जा सकता है। ब्रोंकोस्कोप एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, पहले के मुकाबले कई गुना सेफ्टी इसकी बढ़ चुकी है, मशीनें और टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और इसमें करने में अगर आपको सेडेशन में एनेस्थीसिया में करते हैं तो किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होता। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको ब्रोंकोस्कोपी एडवाइस की है तो आपको उसके बारे में डॉक्टर से डिटेल जाननी चाहिए। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो सारे रिस्क बेनिफिट जानते हुए आप ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं। लेकिन ब्रोंकोस्कोपी होती क्या है, कैसे करते हैं, ये आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ब्रोंकोस्कोप आपके नाक या मुंह के रास्ते आपके फेफड़ों में किस तरह से देखता है। थैंक यू।